माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को, सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझें। राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का, मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया, एक साल लगभग लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी और मैं भी करना चाहता हूं कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीरे दाखला दे, गृह मंत्री दे, तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने, जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे, मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होंगे। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए साहब।